हमारे देश में पत्थर बरसाने की रीत तो पुरानी है, तो इस रीत को तोड़ा क्यों जाए, इस रीत को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं ना। तो इस बार ऐसा ही कुछ हुआ, इंदौर में कुछ जाहिल लोगों ने महिला तक को नहीं बख्शा जो एक मेडिकल स्टाफ यानी स्वास्थ्य कर्मी थी, उनके ऊपर भी पथराव करती है। घर दिलाने आ रहा है बार बार ये लोग चूतिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो यहाँ किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे, वो किसी धर्म या किसी रिलीजन के बारे में नहीं बोल रहे, वो इन मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने नज़रिए की बात करूँ तो मेरे नज़रिए में ये सब जो हुआ वो कुछ इन धर्म के ठेकेदारों की वजह से ही हुआ। इन धर्म के ठेकेदारों ने इन लोगों के दिमाग में ये ठूस दिया कि मस्जिद में कोरोना नहीं होता, मस्जिद में मरने से अच्छी जगह कुछ नहीं होती। और ये मूर्ख लोग इन लोगों के इन जैसे गधे ठेकेदारों की बातों में आ गए, और इन मूर्ख लोग इन जाहिल लोगों ने हर नियम की धज्जियां उड़ा दी। अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बंदे को कोरोना वायरस हो जाए ना, तो जिस थाली में कुत्ता खाए उसमें खिलवा देना। तबलीगी जमात में पाए गए कोरोना से संक्रमित लोग जिनको क्वारंटाइन किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में, वो महिला स्वास्थ्य कर्मी के सामने अपनी पैंट उतार कर वो घूम रहे हैं, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, चीप गाने गा रहे हैं, पुलिस कर्मियों पे मुंह में पानी लेकर जब पुलिस इनको उनके इलाके में जाती है इन तबलीगी जमातियों को पकड़ने की, भाई पकड़ने तो क्या, इनको क्वारंटाइन करने के लिए, इनको ले जाने के लिए जब जाती है, तो उनमें उनके ऊपर मुंह में पानी डाल के इनके ऊपर फेंका जाता है। और अगर महिला स्वास्थ्य कर्मी की माने, उनके अनुसार जब ये उस वार्ड में जाती हैं जहाँ पे इनको क्वारंटाइन, तबलीगी जमातियों को क्वारंटाइन करने के लिए रखा गया है, जैसे ही उस वार्ड में जाती हैं तो ये तबलीगी जमात अपने कपड़े बदलने लग जाते हैं। कौन सा धर्म ये सिखाता है कि महिलाओं का अपमान करो, उसके सामने आपत्तिजनक इशारे करो, उनसे बीड़ी सिगरेट मांगो या फिर उनके सामने पैंट उतार कर घूमो। इन सबको किसने हक दिया कि सबकी जान को खतरे में डालें, जबकि मक्का बंद कर दिया गया। तो इन जो ये जाहिल लोग थे जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे, तो इन जाहिल लोगों के दिमाग में जरा सा भी ख्याल नहीं आया दूसरे लोगों का। ये बोल रहे हैं, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फंस गए थे, तो नज़दीकी जब पुलिस स्टेशन था जो उनके पास जाके ये नहीं बोला जा सकता था कि भाई हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकालो, या फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते थे। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोष नहीं ठहराया जा सकता, खुद एक कॉमन सेंस होता है उस चीज़ के लिए। और किसी ने हक नहीं दिया इन लोगों को कि भाई तुम हर मानवता से भी हटकर, मतलब हर एक की जान को तुम खतरे में डाल दो। जब डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर, मेडिकल टीम के ऊपर जब पथराव हो रहे हैं, या महिला के लिए, स्पेशली महिला के लिए मैं बात करूं, तो जो एक बड़ी ही फेमिनिस्ट बनने की कोशिश करती है अपने आप को, जो भी बड़ी धूपिया धूपिया जो भी है वो, इट्स हर चॉइस वाली, अब वो कहाँ गई? अब तो उसकी बोलती बंद है, अब वो कुछ नहीं बोलेगी इनके बारे में। या फिर वो कहाँ गए जो वो प्लेकेट निकाल के खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचवाने को उनको शौक होता है, अब वो इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? ये साले लिबरल सिर्फ और सिर्फ भौंकने के काम आते हैं, और ये भौंकेंगे सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जिनमें इनको अपना फायदा नजर आता है। कोरोना वायरस की वजह से जिसमें पूरे दुनिया के अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई, और इवन ऐसी मौत हुई कि भी लास्ट टाइम में अपने जिन जिनकी मौत हुई उसके परिजन उसको देख तक भी नहीं पाए लास्ट टाइम में, वहां पर ऐसी हरकतें, इसको ऐसे मजाक लिया जा रहा है। भाई कहाँ जा रहे हो भाई? भाई नमाज जा रहा हूँ भाई। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये मास्क लगा लो। ये वायरस किसी पर्टिकुलर समुदाय को नहीं होगा, ऐसा इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं की गई है, इसमें ऐसा कोई डेटा फीड नहीं किया गया, या फिर इसमें ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है।
ये सबके लिए एक समान है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, ये सबके लिए एक समान है, चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग से हो, ये सबके लिए एक समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर अलग नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि बार बार कुछ जाहिलों को समझाने के लिए वीडियो लानी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि कुछ इन गधे ठेकेदारों की बातों में मत आओ, इन गधे ही ठेकेदारों की बातों में आकर देश विरोधी नारे लगाना और अब तो इतना उस हद से भी जाना कि मानवता के लिए भी खतरा पैदा कर देना। कब तक इन गधे ठेकेदारों की बातों पे चलते रहोगे, कब अपना दिमाग यूज़ करोगे, कब खुद अपना डिसाइड करोगे क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, मरने के लिए कोई जगह अच्छी नहीं होती, ना ही वो मस्जिद होती है ना ही वो अस्पताल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।